गुजरात के आईएएस अधिकारी गौरव दहिया के मामले काफी तूल पकड़ते जा रहे हैं। उसी बीच लेनू से यहाँ पर पहुंचे, हमारे साथ है, उनसे बात करके मैम बताया कि एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई है। आज गुजरात आने का मुख्य उद्देश्य क्या है और किससे मिलने जा रहे हैं आप? सर, मैं आज सीएम सर से, डीजीपी सर से और एसपी गांधीनगर से मिलने आई हूँ, क्योंकि अभी तक मेरे इस केस में आगे कुछ हुआ ही नहीं और मुझे भी किसी भी टाइप का किसी ने कोई कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की है कि आगे क्या होना है, तो मैं अपनी एफआईआर के लिए यहाँ पर आई हूँ। अच्छा, आप मतलब गांधीनगर में एफआईआर दर्ज करवाएंगे, उसके लिए रिसीविंग लेटर वगैरह जो होता है वो सारी प्रक्रिया खत्म करके आप आए? सर हाँ, मैं सीएडब्ल्यू सेल में ट्रांसफर लेटर अपना देकर आई हूँ और रिसीविंग लेटर साथ में लेके आई हूँ। अब दिल्ली में मेरा कोई भी केस नहीं होगा क्योंकि मैं दिल्ली छोड़ने वाली हूँ बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सकेगा दिल्ली छोड़ दूंगी मैं। आप एक ये भी बात कह रहे हैं कि डीएनए टेस्ट की बात हो रही है, क्या आपकी मांगे, क्या न्याय चाहिए आपके लिए, आपकी बेटी के लिए? देखिए सर, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका सस्पेंशन हुआ है, वो डिसमिस होना चाहिए ताकि वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके मेरी बेटी और मेरे साथ में कुछ बुरा ना कर सके। बुरा तो वो किसी भी हद तक कर सकता है। दूसरा सर, मुझे अपनी बेटी का लीगल राइट्स चाहिए, इसीलिए मैं डीएनए टेस्ट के लिए भी महिला आयोग जाऊंगी और उन लोगों से बात करूंगी ताकि मेरी बच्ची का डीएनए टेस्ट हो और उसको उसका राइट्स मिले। एक सवाल ये भी है, ये सब होने के बाद क्या उन्होंने संपर्क किया था, आपसे कोई बात करने की कोशिश की थी, कॉम्प्रोमाइज करने की या कुछ ऐसा कहने की कि आप ये मत करो? नहीं सर, उसने कोई भी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। और रही बात कॉम्प्रोमाइज की, तो मैं सर किसी भी कीमत पे उस आदमी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी अब, क्योंकि मुझे अपनी लड़ाई लड़नी है, मुझे न्याय चाहिए अपनी बेटी के लिए और मेरे लिए, क्योंकि उसने खुलेआम मेरी बेटी को गाली दी है ये बोल के कि ये उसकी बेटी नहीं है, तो कॉम्प्रोमाइज का तो सवाल ही नहीं उठता सर। मैं लड़ूंगी इस आदमी के खिलाफ और जब तक मैं जीत नहीं जाती तब तक लड़ती रहूंगी। मतलब अब आप गुजरात गांधीनगर सेटल होने जा रहे, गुजरात में सेटल हो गए? सर इस बारे में मैं अभी कोई बात नहीं कर सकती, लेकिन हाँ जो मेरा केस होगा वो गुजरात में ही होगा क्योंकि मैं दिल्ली फाइनली छोड़ने जा रही हूँ। तो ये थे लेनू सिंह, जिसका कहना है कि वो अपनी बेटी और अपने न्याय के लिए पहुंची है, आने वाले समय में वो गुजरात में स्थायी होगी। उनका कहना है कि अगर उनको इनकार है गौरव दहिया को तो डीएनए टेस्ट करवा ले, और उनका ये भी कहना है कि आने वाले समय में किसी प्रकार का कोई भी समाधान नहीं होगा, वो अपने न्याय के लिए आगे भी लड़ाई जारी रखेगी।